जिले के लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा बर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में निवास कर रहे बिरहोर परिवारों के बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी गांव के नेतृत्व में कराया जा रहा खाद्य सामग्री का उपलब्ध, कोविड टीकाकरण हेतु भी किया जा रहा है प्रोत्साहित। बढ़ती कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं बेहतर करने को लेकर जिला प्रशासन प्रयासरत। गिरिडीह उपायुक्त राहुल सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर अधिकारियों को दिए निर्देश। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के गाइडलाइन के उल्लंघन पर कार्रवाई। पचम्बा में कई कपड़े दुकानों पर FIR की तैयारी। प्रतिबंधित समय में खुले पाए गए थे दुकान। मजदूर यूनियन ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की 135वीं वर्षगांठ। लाल झंडा फहराकर मजदूरों के हक अधिकार को लेकर संघर्ष का किया आह्वान। और इस बार कोरोना की महामारी की वजह से सिखों के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती नहीं हुआ समारोह का आयोजन। घरों में ही रहकर परंपरागत तरीके से गुरु महाराज को किया गया नमन व स्मरण। अब खबरें विस्तार से। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 29 अप्रैल से 6 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाया गया है। घोषित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान जिले वासियों व जरूरतमंद लोगों के खाने से संबंधित कोई समस्या ना हो, इसे लेकर जिला प्रशासन प्रयासरत दिख रहे हैं। इस कड़ी में शनिवार को गांवा प्रखंड प्रशासन के द्वारा सुदूरवर्ती क्षेत्र में निवास कर रहे बिरहोर परिवारों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी गांवा के नेतृत्व में बिरहोर परिवारों के बीच खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। इसके अलावा कोरोना वायरस के व्यापक प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थान की उचित साफ सफाई व उनके व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही सभी बिरहोर परिवारों को तिरपाल भी दिया गया। दूसरी ओर कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी बिरहोर परिवारों को कोविड का टीका लेने हेतु भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने टीका लगवाने से होने वाले लाभों से सभी को अवगत कराया। कहा कि वर्तमान परिस्थिति में कोरोना से बचने का एकमात्र विकल्प है वैक्सीन लगवाएं एवं सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उचित अनुपालन करें। बढ़ते कोरोना संक्रमण के रोकथाम के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ और बेहतर करने के उद्देश्य से आज उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी एवं मोइक के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने गिरिडीह जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी बेहतर करने के अलावा कोरोना संक्रमण के रोकथाम से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं मोइक को आपसी समन्वय के साथ कार्य संपादित करने का निर्देश दिया, ताकि आवश्यकता अनुरूप लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा सके। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे अपने स्तर से नियमित टैग किए हुए अस्पतालों का निरीक्षण कर अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों यथा ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एवं वेंटिलेटर की सुविधा की जानकारी लेंगे एवं उक्त से संबंधित प्रतिवेदन हॉस्पिटल बेड मैनेजमेंट टास्क फोर्स के नोडल सह वरीय पदाधिकारी एवं जिला कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा बैठक के दौरान उपायुक्त ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम के अलावा कोविड वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग सभी BDO, CO एवं मोइक को आपसी समन्वय के साथ स्पेशल ड्राइव के साथ साथ इस दिशा निर्देश में कार्य करने की बात कही। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस के विरुद्ध वैक्सीनेशन अभियान के तहत जिले के 45 साल या उससे ऊपर के नागरिकों को टीकाकरण से आच्छादित करें। 45 वर्ष एवं उससे ऊपर के 100% लाभुकों को टीका लगाया जाए।
उन्होंने कहा कि स्वयं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उक्त कार्यों को संपादित करें। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि जहां टीकाकरण एवं टेस्टिंग का कार्य चल रहा है वहां साफ सफाई, नियमित रूप से सैनिटाइजेशन का कार्य सुनिश्चित कराया जाए। उपायुक्त ने कहा कि 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लोगों का ज्यादा से ज्यादा संख्या में पंजीकरण कराना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें मैन पावर बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि उक्त सभी कार्यों का क्रियान्वयन सफल तरीके से किया जा सके। साथ ही अन्य विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति को लेकर जोर दिया गया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के बीच जहां सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी कर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 29 अप्रैल से 6 मई तक बढ़ाया गया है, गाइडलाइन के अनुपालन को लेकर पचम्बा थाना द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही लोगों को हिदायत भी दी जा रही है। बावजूद इसके शनिवार को पचम्बा हटिया रोड में कुछ कपड़े के दुकान खुले पाए गए। मौके पर सीओ गिरिडीह और पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार सिंह के नेतृत्व में दल बल के साथ छापेमारी की गई और खुले पाए दुकानों के मालिक पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई। खुले हुए था वो झारखंड सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया गया है उसका उल्लंघन कर रहा था। कपड़े की दुकान थी, कपड़े की दुकान खुलना नहीं था, इसको खोल करके रखा था जिससे कोविड संक्रमण का खतरा बढ़ने की संभावना थी। सरकार की दिशा निर्देश का धज्जियाँ उड़ाया जा रहा था। ऐसी स्थिति में इसको हम लोग जब्त किए हैं और उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई कोरोना से संबंधित मेडिसिन का वितरण जरूरतमंदों की सहायतार्थ निःशुल्क करेगी। इस संबंध में विद्यार्थी परिषद विनोबा भावे विश्वविद्यालय के सह संयोजक कृष्ण त्रिवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि वैसे लोग जिनका कोरोना पॉजिटिव आया है और वो दवा लेने में सक्षम नहीं है उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिस पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके दवाई प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर उनके घर में मेडिसिन फ्री होम डिलीवरी की जाएगी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के द्वारा इस कोरोना महामारी में इस देश के महाविद्या में इस देश के साथ है, समाज के साथ है और जितने भी भाई बंधु हमारे गिरिडीह के जिले में कोरोना से संक्रमित हुए हैं, कोरोना के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं और वैसे लोग जो दवाई लेने में सक्षम नहीं हैं या किसी भी तरीके से वो या तो फिर घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, दवाई नहीं ले सकते हैं, उनके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा निःशुल्क में दवाई वितरण किया जाएगा एवं इन दवाइयों का वैसे लोगों तक होम डिलीवरी की सुविधा की जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस देश के और इस समाज के लोगों से अपील करती है कि इस कोरोना के महामारी में डरे नहीं बल्कि लड़ें और हम सब मिलकर इस कोरोना महामारी को भगाएंगे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस समाज के और इस देश के साथ खड़ी है। इस विपदा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समाज के उन तमाम लोगों से अपील करती है कि अपने गली मोहल्ले में, अपने वार्डों में, अपने क्षेत्रों में जो भी इस महामारी से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनका हौसला अफजाई करें, उनके साथ खड़े रहें और वो कैसे इससे उभरें, उनको किस प्रकार से उनके परेशानियों का हल हो, इसके लिए उनके साथ खड़े रहें और हम सभी मिलकर इस कोरोना महामारी से लड़ेंगे और जीतेंगे।
गावा प्रखंड स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र के अधिकारी डॉक्टर दीपक कुजूर एवं प्रशासन के द्वारा क्षेत्र में कोविड महामारी से बचाव को लेकर शनिवार को यहां जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को मास्क पहनने, 2 गज दूरी का पालन करने, कोविड के लक्षण दिखने पर टेस्ट करवाने को लेकर संदेश दिया गया। भाकपा माले समर्थित AICC2 कोल माइंस वर्कर्स यूनियन तथा झारखंड जनरल मजदूर यूनियन की ओर से शनिवार 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर गादी श्रीरामपुर मंझलाडी में बैठक किया। साथ ही पपरवाटाड़ स्थित उक्त यूनियनों के संयुक्त कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की 135वीं वर्षगांठ पर लाल झंडा फहराकर मजदूरों के हक अधिकार को लेकर संघर्ष आह्वान किया गया। भाकपा माले समर्थित AICC2 कोल माइंस वर्कर्स यूनियन तथा झारखंड जनरल मजदूर यूनियन की ओर से शनिवार 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर गादी श्रीरामपुर मंझलाडी में बैठक किया। साथ ही पपरवाटाड़ स्थित उक्त यूनियनों के संयुक्त कार्यालय में राष्ट्रीय मजदूर दिवस की 135वीं वर्षगांठ पर लाल झंडा फहराकर मजदूरों के हक अधिकार को लेकर संघर्ष का आह्वान किया गया। यहां माले नेता सह AICC2 के राष्ट्रीय पार्षद राजेश कुमार यादव तथा पार्टी के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने मेहनत कसों के संघर्ष का प्रतीक लाल झंडा फहराते हुए केंद्र की मोदी सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष के संकल्प को दोहराया। कोविड के कारण कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करते हुए सांकेतिक रूप से मई दिवस के उपलक्ष्य में जहां दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया गया, वहीं केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों को मजदूर वर्ग के अधिकारों को छीनने तथा दमनकारी नीति बताते हुए विरोध किया गया। मजदूर विरोधी मोदी सरकार मजदूर दिवस का 135वां वर्षगांठ है। आज ही के दिन 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में, जैसा कि सबको पता है, मजदूर वर्ग की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। कई मजदूरों की शहादत के बाद 8 घंटा काम करने का अधिकार मजदूरों ने हासिल किया था। तत्कालीन सरकार, तत्कालीन फैक्ट्री मालिकों को 8 घंटा काम करने और 8 घंटा मनोरंजन और 8 घंटा आराम करने का मजदूरों का अधिकार को लागू किया गया था। उसके बाद से ही पूरी दुनिया में आज के दिन मजदूरों के अधिकार को लेकर के मई दिवस मनाया जाता है। आज के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि हमारे देश हिन्दुस्तान में मोदी की सरकार जो लंबे समय से, 100 बरस से भी ऊपर समय से जो हमारे देश में मजदूरों को अधिकार थे और हमारे देश में मजदूर वर्ग के लिए बहुत तरह के कानून बने हुए थे, कुल मिलाकर के अभी लॉकडाउन की अवधि में पिछले 1 साल के दरमियान में इस सरकार ने मजदूरों के खिलाफ काम करते हुए 44 तरह के जो श्रम कानून थे उनको सरकार ने निरस्त कर दिया और मजदूर वर्ग को धोखा देने के लिए 4 लेबर कोड लाए हैं। ये लेबर कोड से मजदूर का नहीं बल्कि कंपनियों का भला होने वाला है। इसलिए इस समय हम लोग आज के दिन, जबकि कोविड का नियम लागू है, हम लोग कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करते हुए, हम लोग सांकेतिक रूप से हम लोग तमाम तरह के नियमों का अनुपालन करते हुए हम लोग मजदूर दिवस मना रहे हैं सांकेतिक रूप से। और हम लोग मजदूर वर्ग का आह्वान कर रहे हैं कि परिस्थिति सामान्य होते ही इस सरकार के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़नी होगी। सरकार ने जो 44 तरह के कानून को निरस्त किए हैं जो मजदूरों के हक में थे, उन कानूनों को बहाल करने की लड़ाई है और मालिकों के हक में, पूंजीपतियों के हक में, बड़े बड़े कारपोरेट कंपनियों के हक में जो कानून लेबर कोड के रूप में लाए हैं, लेबर कोड लाए हैं जो 4 तरह के, इनको वापस लेने की बात है। हम लोग आज के दिन यह भी मांग करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान में सबसे ज्यादा मार गरीब वर्ग के मजदूरों पर ही सबसे ज्यादा मार पड़ा है और गरीब वर्ग के मजदूरों की महिलाएं विभिन्न तरह का लोन लिए हुए हैं, छोटे छोटे लोन लिए हुए हैं। हम लोग सरकार से यह मांग करते हैं आज मई दिवस के दिन तमाम तरह के गरीबों के ऊपर में जो छोटे मोटे लोन हैं, उन लोन को, ऋण को, उसको माफ किया जाए। ताकि पता है कि 100 साल पुराना कानून जो हमारा मजदूरों के लिए था
उसमें से छेड़छाड़ करते हुए मोदी सरकार ने सब कानून हटा दिया है और मजदूरों के लिए एकदम अकेलापन को छोड़ दिया, मजदूरों को अकेलापन में छोड़ दिया है, सारा कानून को ध्वस्त कर दिया है। और जैसा कि आपको पता है कि सरकार पहले से ही मजदूर विरोधी है, मजदूरों के साथ भेदभाव करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से किया है। आज के डेट में हम इस क्षेत्र को इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि कोविड 19 का जो नियम है, जो कानून है, बड़ा सा हम आंदोलन कर नहीं सकते और ना ही नियम है। हम चार पांच लोग खड़े होकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि इन तमाम लोग जो फैक्ट्री इलाके से हैं, यहाँ के जो मजदूर हैं, यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो गरीब हैं, यहाँ के जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं, उन परिवारों के यहाँ पूरा छल प्रपंच के साथ पूरा तबाह कर दिया गया है। हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे मजदूरों के लिए, बहुत जल्द लड़ेंगे। जैसे ये कोरोना काल खत्म होगा हम लोग शुरू करेंगे, जन सुनवाई करेंगे कि आखिर इन फैक्ट्री के मजदूर जो काम करते हैं उनके हक के लिए, उनके हक की लड़ाई के लिए कौन खड़ा रहता है। शुक्रवार को आई तेज आंधी पानी की वजह से बगोदर प्रखंड के कारी चट्टान बिरहोर टंडा में कई बिरहोर के मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। शनिवार को बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह कारी चट्टान पहुंचकर पीड़ितों से मिले और क्षतिग्रस्त मकानों का जायजा लिया। मौके पर सिगिरिडीह उपायुक्त से बात कर आपदा राहत कोष से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती कर पीड़ितों को राहत दिलाने की बात कही। इस बार कोरोना की महामारी की वजह से सिखों के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती को लेकर मनाया जाने वाला गुरु पर्व गिरिडीह सिख समाज द्वारा नहीं मनाया गया। इस बार ना तो कीर्तन समागम हुआ, ना ही लंगर का आयोजन हुआ, बल्कि सिख समुदाय के लोगों ने अपने घरों में रहकर परंपरागत तरीके से गुरु महाराज को नमन और स्मरण किया तथा सभी के भले चंगे की कामना की। वहीं मुख्य गुरुद्वारा गिरिडीह में गुरुद्वारे के पुजारी द्वारा बहुत कम लोगों की उपस्थिति में विधिवत रूप से पाठ कीर्तन किया गया। इस बाबत श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान डॉक्टर सरदार गुणवंत सिंह मोंगिया ने बताया कि 400वां प्रकाश वर्ष को लेकर पूरे देश भर में इसे शताब्दी गुरु पर्व के रूप में मनाया जाना था, लेकिन कोरोना को लेकर इसे नहीं मनाया गया। आज का ये अंक आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।